हेलो माय फूडीज फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ऑल टाइम फेवरेट नमकीन की रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी बनी है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टी भी बनी है। तो चलिए इस रेसिपी को बना लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा। आप चाहो तो इसमें गेहूँ के आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हो, मैंने इसमें मैदा का इस्तेमाल किया है। तो ये 2 कप मैदा में मैं कुछ नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून नमक लिया है और 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें अजवाइन का इस्तेमाल किया है। अजवाइन का इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है और प्लस ये पेट के लिए भी बहुत हेल्दी होता है। तो बस इसे क्रश करके डाल देंगे ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छे से निकले। अब इसमें 1/3 में ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। ऑयल मैंने नॉर्मली जो सनफ्लावर ऑयल होता है वो इस्तेमाल किया है। अगर आप इसमें तेल का इस्तेमाल करोगे ना तो उसमें स्मेल आएगी, तो आप वही तेल का इस्तेमाल करो जिसमें कोई भी कलर या फिर जाकर के कोई भी आपका फूड इस्तेमाल ना हो जिससे आपकी स्मेल आए। तो देखिए इसे अच्छे से क्रश करने के बाद मैं आपको बंद करके दिखा रही हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से बंद गया, मतलब हमने सही तरीके का ऑयल इस्तेमाल किया है ताकि ये अच्छे से घुल जाए। तो चलिए अब इसमें पानी लेते हैं और पानी से आटे को गूंद लेते हैं। पानी बिल्कुल हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है फ्रेंड, क्योंकि हम इसमें उतना ही पानी इस्तेमाल करेंगे जितना कि बहुत ज़्यादा आटे की तरह ना हो जाए। जैसे हम पूड़ी का आटा इस्तेमाल करते हैं ना, पूड़ी का आटा जिस तरह से गूंदते हैं उससे थोड़ा सा सख्त आटा हमें इस वक्त लगाना है। तो आटा बिल्कुल लग चुका है और पूड़ी के आटे से थोड़ा सा सख्त आटा मैंने इसमें गूंदा है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए इस तरीके का ही आटा हमें गूंदना है। तो आटा बिल्कुल अच्छे तरीके से गूंद चुका है और मैं आपको पानी दिखा रही हूँ। ये देखिए पानी बहुत ही थोड़ा सा यूज़ हुआ है इसमें, इतना पानी ही बस यूज़ हुआ है हमारा इसमें। और अब इसे ढक करके 15 मिनट के रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तो आफ्टर 15 मिनट्स आटा पूरी तरीके से सेट हो चुका है। अब इसे एक दो बार और अच्छे से मलाड़ दे देंगे। और ये देखिए पूरे अच्छे से सेट हो जाने के बाद छोटी छोटी सी लोइयाँ लेंगे फ्रेंड, बिल्कुल इतने ही मैं लोई ले रही हूँ। और इस लोई को अच्छे तरीके से हमें बहुत अच्छे तरीके से गूंथ लेना है। और ये देखिए अच्छे से इसको मलाड़ते हुए इसकी एक पैड़ी बना लेंगे और अब हम इसे रोलिंग पिन की हेल्प से अच्छे से बेल लेंगे। तो बस रोलिंग पिन की हेल्प से हम इसे अच्छे से बेल लेंगे। मैं इसे बहुत पतला बेल रही हूँ, आप चाहो तो थोड़ा सा मोटा भी इसे बेल सकते हो, मगर मैं पतला इसलिए बेल रही हूँ ताकि ये बहुत ही खस्ता बने, बहुत ही कुरकुरी बने और साथ में मुंह में डालते ही ये बिल्कुल अच्छे से घुल जाए। ये देखिए मैं आपको सामने से दिखाती हूँ मैं कितना पतला इसमें बेली हूँ। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके का हमें इसे बेलना है। आप चाहो तो इसे थोड़ा सा मोटा या पतला अपने हिसाब से भी कर सकते हो। और अब इसे नाइफ की हेल्प से हम कट कर देंगे। आप चाहो जितना चौड़ा जितना पतला कर सकते हो और इसे जो भी शेप चाहो आपको दे सकते हो। मैं इसे स्क्वायर शेप दे रही हूँ, आप चाहो तो इसे बर्फी का भी शेप दे सकते हो या फिर ट्रायंगल भी कर सकते हो। मैं इसे स्क्वायर शेप दे रही हूँ ताकि नॉर्मली जो बिस्किट्स हम खाते हैं ना बिल्कुल वैसा ही टेक्सचर आएगा इसका और ये खाने में भी बहुत यमी लगती है फ्रेंड। ये देखिए मैं आपको एक दिखाती हूँ ये मैंने कितने पतले बेले हैं, आपको दिख ही रहा होगा ये कितना पतला बेला है। बिल्कुल बिस्कुट का टेस्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए ये बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है और इसी तरीके से हम सारे के सारे बना लेंगे और बना लेने के बाद हम इसे प्लेट में निकाल देंगे। इसे नाइफ की हेल्प से निकालिएगा फ्रेंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला हुआ है ना, तो अगर आप हाथों की हेल्प से निकालोगे ना तो ये बिल्कुल टूट सकता है। ये देखिए बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है, कुछ मैंने इस तरीके से भी बेले थे। और अब लेंगे फ्राइंग पैन, उसमें मैंने पहले से ऑयल गरम करने के लिए चढ़ा दिया था और अब इसमें एक एक करके सारा का सारा ऐड कर लेंगे। ये बिल्कुल भी ऑयल में जाने के बाद चिपकेगी नहीं, भले आपके हाथ में हल्का फुल्का चिपके लेकिन जैसे आप इसमें ऑयल में डालोगे ना ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। और इसमें एक बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना है कि आपको इसमें मीडियम फ्लेम का ही इस्तेमाल करना है। अगर आप इससे हाई फ्लेम दोगे ना तो ये बिल्कुल ऊपर से क्रंची हो जाएगी लेकिन अंदर से बिल्कुल कच्ची रह जाएगी। तो मीडियम फ्लेम में ही मैंने इसे अच्छे से फ्राई किया था, मैं आपको अभी सामने से दिखाऊंगी। ये देखिए क्या प्यारा सा कलर आया है इसका, बिल्कुल गोल्डन कलर तक हमें इसी तरीके से करना है। और ये देखिए बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है और बहुत ही प्यारा सा टेक्सचर भी इसका आ चुका है। इस स्टेज पर हम इसे निकाल लेंगे। तो
देखो प्यारा सा बनकर रेडी हो चुके नमकीन। इस तरीके से हम सारे के सारे नमकीन बना लेंगे फ्रेंड। बहुत ही प्यारी सी रेसिपी को जरूर एंजॉय कीजिएगा और मुझे बताइएगा जरूर आपको रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ। थैंक यू सो